तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आई होप आप सब ठीक हो गए। और आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट करने का मन नहीं था, लेकिन मैं स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि आज अभी ना सुबह उठ के ना इतना अच्छा लग रहा है ना, मस्त ठंडा ठंडा माहौल है। और कल बारिश हुई थी ना, तो उसके वजह से देखो पूरा रोड वोड मस्त एकदम गिल्ला है। और बादल भी देखोगे ना एकदम मस्त है, ऐसा पूरा फैला हुआ है, जैसे एक चादर बिछी है आसमान में। तो गाइस अभी स्कूल भी मेरे को जाने का है, अभी 7 बज रहे हैं और मैं डेली 7 बजे उठ भी जाता हूँ, नहीं तो पहले मेरे को उठाना पड़ता था। अभी कैसा तो मतलब आदत लग गया है, 7:10 तक नहीं तो 7:15 तक मैं अपने आप उठ ही जाता हूँ। और अभी मेरे को 8:30 बजे स्कूल पे निकलना है, तो आज स्कूल जाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, मस्त ठंडा माहौल है तो मज़ा आएगा स्कूल में भी। और बोर भी शायद से हम लोग नहीं हुए गए। और अभी बाइक का आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी बोल नहीं सकती। और हाँ, ये नीम का पेड़ है ना, इसका पूरा पत्ता ही गायब हो गया है। देखो कैसा हरा हरा था पूरा, और पूरा सूख गया, पूरा पत्ता गायब हो गया इस पे का। तो अभी मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद मैं घर पे, अब तक कोई उठा भी नहीं है, तो विवेक को भी मेरे साथ में स्कूल जाने का है, तो उसको देखता हूँ उठाऊँगा। और मैं पहले मैं नहा लेता हूँ, नहीं तो फिर उसको उठाऊँगा, फिर वो पहले जाएगा। जैसे अच्छा मैं पहले तैयार हो जाता हूँ, फिर उसको उठाऊँगा, फिर वो अपना तैयार रहेगा। और वैसे भी मेरा दोस्त 8:30 बजे घर पर पहुँच जाता है, तो उसके साथ में मेरे को निकलना पड़ता है पहले। यस, तो फिर आवाज़ में अभी चेंज आ रहा था क्या, मुँह भी धोया नहीं हूँ मैं अब तक। और पहले अपना कैसा लग रहा है वो बताने के लिए आपको आ गया। अभी हाथ धो मेरा दुख रहा है बहुत तेज, तो अभी मैं नहाता हूँ और सबको वो थाप भी देता हूँ। तो गाइस अभी मैं पूरा नहा के तैयार हो चुका हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और आसमान में शायद से एरोप्लेन शायद से जा रहा होगा, इसके लिए थोड़ा आसमान में अजीब सा आवाज़ आ रहा है। और बादल अभी भी एक नंबर दिख रहा है। गाइस सच बोले तो ना, ऐसा व्यू देखने को ना अलग ही मज़ा आता है। और अभी स्कूल मेरे को जाने का है, वो टाइम लगभग हो चुका है 8:30 होने में, अभी 15 मिनट बचा है। और मैं दोस्त को बोला हूँ कि निकलने का थोड़ा मतलब टाइम से, तो अभी देखते हो कब तक आएगा, फिर उसके साथ में मैं स्कूल निकलता हूँ और मिलता हूँ आपको स्कूल से आने के बाद। तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है 8:45। और अभी मान लो है कि कल मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया, तो तब तक डायरेक्ट नेक्स्ट डे बोल दिया, तो फिर कल ब्लॉग बनाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो आज मैंने एक नया चीज़ सोचा है, तो फिर आज मैं क्या एक चैलेंज करने वाला हूँ। वो वैसा चैलेंज नहीं रहेगा जो उस समय फेल हो गया था, तो वैसा चैलेंज नहीं है, ये मेरे को घर पे ही करने का है और आपको अच्छा भी लगेगा और मेरे को भी मतलब टफ लगेगा, लेकिन तभी करूँगा। तो चैलेंज जो है वो मैं आपका भी बाद में बताता हूँ, पहले नहा लेता हूँ और डायरेक्ट चैलेंज जब स्टार्ट करूँगा ना, तो उस समय आपको बताता हूँ क्या है वो चैलेंज। तो हेलो गाइस, अभी मेरा चैलेंज यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और चैलेंज क्या है वो आपको अभी बताता हूँ। तो अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, किचन में ना। तो अभी टाइम को कितना हो रहा है देखो, ये 9:47 ना, तो रात के 9:47 तक मैं किचन में रहने का है। और जो भी मम्मी खाना ही ना बनाती है, नाश्ता बनाती है, और जो भी चीज़ मतलब नाश्ता वाश्ता दोपहर को जो चाहिए रहेगा, अभी सुबह को जो नाश्ता चाहिए रहेगा, सब
कुछ मैं बनाने वाला हूँ। तो फिर देखते हैं कैसा चैलेंज आता है। तो सबसे पहले मैं नहा लिया हूँ, तो पूजा कर लेता हूँ, उसको सरकाते साइड में, और यहाँ पे रख देता हूँ मैं अपने स्टैंड के साथ में। तुलसी माता का पेड़ लगा है, तो उधर पे मैं लगा दिया अगरबत्ती वाला। और अभी मैं सबसे पहले तो बनाने जा रहा हूँ पप्पा के लिए चना, मतलब कौरने वाला हूँ। तो फिर उसके लिए लगने वाला है मेरे को लहसुन, तो इधर छिला हुआ है और इधर मिर्चा भी है। तो मिर्चा लगभग पप्पा को 3 या फिर 4 तो देना ही पड़ेगा। चार मैंने मिर्चा ले लिया, इसको रखता हूँ मैं इधर पे। लहसुन भी पप्पा ज़्यादा ही लेते हैं। मम्मी कहाँ पे यस? अच्छा, मम्मी अभी नहा रही है। तो इतना लहसुन ले लेता हूँ मैं, लगभग ठीक ही रहेगा। और फिर इसको प्लेट में काट लेते हैं। तो अभी मिलता हूँ आपको काटने के बाद। तो गाइस अभी मैंने ये पूरा काट लिया है, और अभी मैं रखता हूँ इधर पे कढ़ाई अपना जर्मन वाला कहाँ पे? Tell her not to wake up now. Daddy's sleeping on this way too long.
चुका है। सर मैंने तेल रख दिया इधर गर्म होने के लिए, तो शायद से वो गर्म हो गया रहेगा। तो फिर मैं लेता हूँ अपना ये, इससे करूँगा पूरा काम, मतलब पूरा मतलब वेबी का नहीं, मतलब चना जब तक कर रहा हूँ तब तक। वो डाल दो इसको इसमें, इसको इसके अंदर रख दिया है और वो अभी पक रहा है, आवाज देखो आ रहा रहेगा। फिर अभी मैं थोड़ा खोल के उसको घुमा मार देता हूँ, पूरा पकने देता हूँ। और मम्मी बोली थी हल्का सा पानी डालेगा तो अच्छे से अंदर तक पकता है, उसको पानी भी डाल देता हूँ। तो गाइस अभी कढ़ाई खाली हो चुका है और अभी मैं ये पप्पा के लिए था नाश्ता चना, और यस बोल रहा था उसको मैगी खाने का, तो मैगी यहाँ पर रखा है। और एक और चीज़ हमें अभी उसके साथ में करने वाला हूँ, तो फिर इसके अंदर देखता हूँ क्या क्या रखा है। मेरा चावल है, ये भाजी है, ये दोनों का तो काम नहीं है मेरे को लगता है। इधर रोटी रखा है, ये रोटी को इधर रखते हैं, और कुछ तो नहीं है। ए मम्मी ये पूछ तो मिठाई की सादा है, मिठा है ना, तब रख देता हूँ। नहीं सोचा था उसके अंदर ही मिला देता हूँ। ले हम तोड़ दे। मैं तोड़ रहा हूँ, अच्छा ये लाइन दिखा दो। तो गाइस देखो ये इधर है किचन का लाइन, इससे बाहर मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो फिर ये रोटी है पूरा भरा हुआ है, तो इसको मैं करना वाला, इसके अंदर तो नहीं होएगा, दूसरा कढ़ाई रखना पड़ेगा। मेरे को कुछ चाहिए। क्या चाहिए? छोटू सा प्लेट और चम्मच। मैं खाली चम्मच ले रहा हूं ना। Thank you.
अभी पूरा मैगी तैयार हो चुका है और ये रहा मैगी। शुरुआत में मेरे को लगा कि कुछ मतलब ख़राब हो गया, लेकिन सही लग रहा है, अभी टेस्ट करने के बाद मालूम पड़ेगा। तो जिसको जिसको चाहिए वो आए के ले के, यस आया अभी मैगी देखने के लिए। मैंने तो बनवाया है, खुशबू आ रहा है, मिर्ची निकाल दे। तो इधर पे और इधर पर इसको रख देता हूँ मैं, मिर्ची पूरा निकाल दे। तो गाइस अभी मैं देखो, अभी अपने जैसा चैलेंज बोला था, मैं अभी अंदर ही हूँ किचन में और मम्मी सब खाना मतलब मैं निकाल के सब ऐसे धीरे धीरे सरका दिया उधर पे, और मम्मी अभी मेरे लिए निकाल दी और मैं इधर ही बैठ के खाऊँगा और सब लोग अभी उधर पे बैठ के खाने वाले। तो नाश्ता मैं भी कर लेता हूँ और फिर खाना भी बनाने का है। पापा भी 1 या फिर 2 बजे तक पापा भी आएंगे, तो कुछ दाल चावल वो सब बना देता हूँ मैं भी। फिर मिलता हूँ आपको। नहीं अभी मत, थोड़ा खाना वाना दिखा दो। मम्मी मेरे लिए भी नहीं। चलो गाइस आपको मिलता हूँ।